मेरे पास होंडा, यामा, अल्फा, जो ब्रांड है, जो बढ़िया बढ़िया ब्रांड के जनरेटर है, नंबर वन वही माल है मेरा। ये होंडा का है 650 नंबर। ये आपके लाइटें, पंखे, टीवी, कूलर, ये सब चलाएगा आपका, और इसकी एवरेज भी अच्छी है, 1 लीटर में 3 घंटे आराम से चलेगा सर। ये 1000 नंबर है, इसकी कैपेसिटी बढ़ी जाएगी, लाइट, पंखे, टीवी, कूलर वगैरह ये सब चला देगा ये। इसकी नए की कीमत है 60,000 रुपये, लेकिन मैं आपको दूंगा 53,000 रुपये का। 7,000 का डिस्काउंट? जी 7,000। क्या बात है, 7,000 का इसका डिस्काउंट मिलने वाला। ये भी बिल्कुल नया है, अनयूज। कैसे हो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ जनरेटर की होलसेल मार्केट में। आपकी काफी ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भाई जनरेटर की होलसेल मार्केट दिखाओ, हमें सस्ते रेट से जनरेटर चाहिए। हमें राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, सारी जगह जनरेटर की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है भाई, कमेंट काफी ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जनरेटर लेकर आए, एक से एक जनरेटर मिलने वाला है। मात्र स्टार्टिंग हो जाती है 5,999 रुपए से, यहाँ से जनरेटर की मिलने वाला है। ठीक है, तो जनरेटर कैसे मिलेगा सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। आइए चलते हैं यहाँ के ओनर से मिलवाते हैं। तो सर कैसे हो आप? बढ़िया भाई जी। आज की वीडियो में कौन कौन से जनरेटर दिखाने वाले हो? आज की जो बहुत सारे जनरेटर हैं। अच्छा, जो सबसे पहले तो आप सबसे पहले ये बताओ, अपनी शॉप ये कहाँ पर पड़ती है? हमारी शॉप पड़ती है, ये दिल्ली में हमारी शॉप है, लाल किले के सामने, मीना बाजार, जामा मस्जिद, K83 शॉप नंबर है हमारा। ओके, तो आज की वीडियो में कौन कौन से जनरेटर दिखाने वाले हो भाई? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो घरों में यूज होते हैं, या डीजे वगैरह, टेंट वगैरह के जो यूजेज के जनरेटर होते हैं, सबके लिए है जनरेटर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं ये 1000 नंबर से। तो 1000 नंबर का कितने का पड़ने वाला है? 1 किलोवाट का सेट है, खाली पेट्रोल मॉडल पे है, ये आपको पड़ेगा 10,000 रुपए का। 10,000 पेट्रोल मॉडल जो अब लेटेस्ट में जो अब आ रहा है होंडा के, सब पेट्रोल पे यही आ रहा है। 1 घंटे में कितना तेल पिएगा ये? आप ऐसे मान के चलो 1 लीटर पेट्रोल में 2.5 घंटे चलता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बाद में ही आता है होंडा का है, ये भी पेट्रोल ये पेट्रोल और केरोसिन के ऊपर है, 2 किलोवाट का सेट है। ये घर के नहीं है, जैसे 1 हॉर्स पावर का समरसीबल चलाना हो, 1 HP का, बाकी लाइटें, कूलर, फ्रिज वगैरह चलानी हो, ये सब चलाता है ये। घर का पड़ेगा, यूज के नहीं है ये आपको पड़ेगा 12,000 रुपए। ओके, ये कौन सा होता है सर? इसके बाद में यही इसी का ही पेट्रोल जो अभी आपको पेट्रोल केरोसिन वाला दिखाया, उसका पेट्रोल मॉडल है वही लेटेस्ट में जो आप चल रहे हैं खाली पेट्रोल वाले, ये आपको वो पड़ेगा 2 किलोवाट का, सेम इसका यही रहेगा घर के यूज के लिए। कितने का है ये? आपको पड़ेगा 15,000 रुपए का। तेल कितना पीता है ये? पेट्रोल ऐसे चलता है, पेट्रोल के ऊपर 1 लीटर में 1.5 घंटा 1.25 घंटा ऐसे चलता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं बड़े जनरेटर पर भाई। किसी के लिए डीजे के लिए चाहिए या फिल्म शूटिंग वगैरह के लिए चाहिए, उसके लिए जनरेटर दिखाओ। ये उसके लिए भाई जी ये रखा है, ये कोरियन सेट है, इम्पोर्टेड, ये हमारा 10.5 किलोवाट का सेट है, ये रखा है खाली प्योर पेट्रोल के ऊपर सेट है ये। 10 किलोवाट है? हाँ जी, 10.5 किलोवाट वाला है ये, आपको पड़ जाएगा 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए? इसमें कोई नेगोशिएट हो जाएगा थोड़ा? नेगोशिएट हो जाएगा बिल्कुल, जो जिस जनरेटर का जो रेट बताऊंगा मैं, सब में नेगोशिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये कौन सा होने वाला? ये डीजल के ऊपर है, 6.5 किलोवाट के साइलेंट सेट है ये। ठीक है, ये कितने का पड़ने वाला? ये आपको पड़ेगा 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए का पड़ने वाला है ये साइलेंट जनरेटर है, डीजल का साइलेंट जनरेटर है, 40,000, मात्र 40,000। 1 घंटे में कितना डीजल पिएगा ये? ये 5 लीटर डीजल पे 4.5 घंटा चलता है ये। अच्छा, उसके नीचे जो रखा है उसके वो? नीचे उसी का ही दूसरा मॉडल है, ये तीन सेट रखे हैं हमारे पास में एक जैसे, जिसको जिन भाई को भी चाहिए हो उनके लिए 40,000 रुपए। बहुत बढ़िया, अच्छा, हम इसकी बात करें। इसके बाद में ये सुजुकी का 7.5 किलोवाट का सेट आ जाता है, ये पेट्रोल प्लस LPG है, जो घर का सिलेंडर होता है हमारा, घरों में जो सिलेंडर यूज होता है उससे चलता है ये। कितने का पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको 40,000 रुपए का। इसके ऊपर घर में हम 2 AC वगैरह, पूरा घर का पूरा लोड चला सकते हैं, AC वगैरह सब चला सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है, बाद में ये आ जाता है, ये 8.5 किलोवाट का सेट है, ये भी प्योर, ये प्योर पेट्रोल सेट है ये। ये कितने सेल्फ स्टार्ट रहेगा, सब रहेगा, रस्सी वगैरह सब रहेगा, ये आपको पड़ेगा 45,000 रुपए। 45,000 रुपए का। कितना तेल पीता है ये घंटे में? ये इसकी भी वही एवरेज आती है 5 लीटर में, 3.5 लीटर का। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये होंडा का सेट है 7.5 किलोवाट का, ये मेड इन जापान आता है, होंडा का होता है, ओरिजिनल जेन्युइन चीज है ये भी। ठीक है, ये भी आपको 45,000 रुपए का पड़ेगा, प्योर पेट्रोल का सेट है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इनके दूसरे गोदाम में, यहाँ पर स्टॉक में पूरा माल होने वाला, नए से नए जनरेटर यहाँ पर मिलने वाला है। तो सर यहाँ पर कौन कौन से जनरेटर मिलने वाले हैं? सर यहाँ पे मेरे पास होंडा, यामा, अल्फा, जो ब्रांड है, जो बढ़िया बढ़िया ब्रांड के जनरेटर है, नंबर वन वही माल है मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग की बात करें हम यहाँ होंडा से करते हैं, 650 से। ये कितने का पड़ने वाला है? ये होंडा का है 650 नंबर। ठीक है, ठीक है सर, ये आपके लाइटें, पंखे, टीवी, कूलर, ये सब चलाएगा आपका, और इसकी एवरेज भी अच्छी है, 1 लीटर में 3 घंटे आराम से चलेगा सर ये। 3 घंटे आराम से चलने वाला है, होंडा का सेट है। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, इसमें 1000 नंबर में क्या बात, कितने का है? एक ये है 1 किलोवाट का, ये 1000 नंबर है, इसकी कैपेसिटी बढ़ी जाएगी, लाइट, पंखे, टीवी, कूलर, HP का पंप वगैरह ये सब चला देगा ये। कितने का पड़ेगा?
सर ये आपको पड़ेगा 12,500 का। नया कितने का है? ये नया आएगा, ये नया 28,000 रुपए का नया है, लेकिन आपको 12,500 का। क्या बात है। उसके बाद ये कितने का मिलने वाला है? ये भी देखो 650 है, ये नए की कीमत है 19,000 और ये आपको पड़ेगा 7,000 रुपए का। 7,000 रुपए का, 7,000। क्या बात है, ये 7,000 रुपए पड़े। ये तो केरोसिन पेट्रोल हो गया, एक इसका खाली पेट्रोल मॉडल भी है, ये खाली पेट्रोल मॉडल है, इससे ऊंचा मॉडल है, ये पड़ेगा 7,500 का। 7,500 का ये पड़ने वाला है, क्या बात है। उसके बाद ये कौन सा है? अगर अब बहुत से हमारी डिमांड आ रही है गैस की, अब एलपीजी गैस की डिमांड आ रही है, तो हमारे पास ये होंडा का भी है एरिया, होंडा का एलपीजी वाला। ये 1 किलो गैस में तुम्हारा 4-5 घंटे आराम से चलेगा, 1 किलो घंटे, सिर्फ 1 किलो गैस में। क्या बात है। उसके बाद 650 का सर ये पावर टूल का देख पा रहा हूँ मैं, ब्लू वाला, ये कितने का पड़ने वाला है? सर ये आपको पड़ेगा 14,000 रुपए का। 14,000 का, ये 1.5 किलो वाट का सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट है और पेट्रोल मॉडल है, पेट्रोल मॉडल में होने वाला है ये। अच्छा, ये 1 घंटे में कितना तेल पीता है? ये 1 लीटर में 2-2.5 घंटे आराम से चलेगा, 2-2.5 घंटे, ठीक है। अभी हम देख पा रहे हैं आपके यहाँ नए सेट भी आए अल्फा वगैरह के, इसकी बात करें तो कितने का पड़ने वाला है सर? देखो सर, ये समझ लो 15-20 दिन चले हुए सेट आए मेरे पास ये अल्फा का, ठीक है, पेट्रोल मॉडल का, बैटरी सब ओके है, सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है सर। ये आपको देंगे सिर्फ 24,000 रुपए का, सिर्फ 24,000 रुपए। डायम है, इनके डिब्बे भी हैं, देखो मैं इनका डिब्बा आपको दिखा दूं, ये डिब्बा, ये इनका डिब्बा है अल्फा का एरिया, ठीक है। ये बहुत कम चले हुए सेट है सर ये, ओके, समझ लो 7-10 दिन चला हुआ, समझ लो नया ही है, समझ लो ये नया ही है। अच्छा, तो नया कितने का ये कंपनी में? ये कंपनी का नया है 36,000 रुपए का, ठीक है। आप कितने का? ये आपको हम देंगे 24,000 का। 24,000 में जी, 24,000 में देने वाले। इसका अगर आपको नया चाहिए अनयूज, वो भी हमारे पास मिल जाएगा। नया जनरेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, नया भी दिखाओ जी। देखो ये नया है अल्फा का, ये डिब्बा पैक, ठीक है, इसकी सील भी हमने अभी तोड़ी है, ये देखो, ये देखो जी, ये अल्फा का नया है 3.5 किलोवाट का। नया कितने का देने वाले हो भाई साहब? 36,000 का नया है, लेकिन हम आपको देंगे सिर्फ 31,000 का। मतलब आपसे लेने में 5,000 का फायदा होगा, 5,000 का फायदा। अगर आप शोरूम में जा रहे हो नया जनरेटर लेने के लिए, तो भाई से अल्फा का उठा लो जल्दी से, 5,000 का डिस्काउंट होने वाला है, ठीक है। एक इस पे नया ये है 6.5 किलोवाट का। देखो अभी तक इस पे इंजन ऑयल डिब्बा पैक माल है, ये डिब्बा पैक माल है, ठीक है, इसका डिब्बा है, ठीक है सर। ये इसकी बैटरी नई, ये लगी हुई जो अभी तक निकली भी नहीं है डिब्बे में से। ये इसका सामान है, प्लग वगैरह सब है, टूल्स वगैरह सब है इसका, ठीक है। इको पावर का है और इसपे इंजन ऑयल भी फर्स्ट टाइम डालेगा जो लेगा, ठीक है सर। ये इसका इंजन ऑयल है होंडा का, ये 500 रुपए का है कंपनी का, ठीक है, ठीक है सर। व्हील आ गया इसके, ये और इसका हैंडल भी है स्टैंड पकड़ने का, ये इसका स्टैंड आ गया। ये डिब्बा पैक अनयूज है, नया है, इसकी नए की कीमत है 6,500 रुपए, लेकिन मैं आपको दूंगा 53,000 रुपए का, 53,000 का डिस्काउंट, 7,000 का डिस्काउंट जी, 7,000। क्या बात है, 7,000 का इसका डिस्काउंट मिलने वाला, ये भी बिल्कुल नया है, अनयूज, अनयूज। अगर चाहिए तो किसी को, बहुत से भाई आते हैं कि हमें नए चाहिए, तो हमने नए भी डिमांड में हमने मंगा के रख लिए, ठीक है, नए भी मिलेंगे हमारे। शूटिंग वाले जनरेटर की बात करें तो कितने का पड़ने वाला है? देखो ये 2 किलोवाट का है, केरोसिन पेट्रोल होंडा, केरोसिन पेट्रोल 2 किलोवाट, ठीक है। ये हम आपको देंगे 23,000 का, 23,000 रुपए जी, 23,000 का, ओके। और एक इस पे बिरला यामा का आता है 3 किलोवाट का एरिया, ये खाली पेट्रोल मॉडल है बिरला यामा, ठीक है सर। ये आपको देंगे, ये भी 23,000 का दे देंगे आपको, 23,000 का ये भी देने वाले हो। और ये हम पीला वाला देख पा रहे हैं, देखिए सर ये है सुजुकी का, ये 5 किलोवाट का है, ये देखो लिखा हुआ मैथ प्रो, ठीक है, मैथ प्रो रेटेड पावर 5,000 नंबर, ठीक है, ठीक है सर। मेड इन इंडिया 100% कॉपर, मेड इन इंडिया 100% कॉपर, ठीक है, ठीक है सर। सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ और प्लस एलपीजी दोनों है इस पे, दोनों है। कितने का पड़ने वाला है ये नया? कितने का? ये नया तो भाई साहब है ये 55-60 के आसपास का है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ 40,000 का देंगे आपको, 40,000 रुपए में देने वाले हो, सिर्फ 40,000 का देंगे हम आपको। उसके बाद हम देख पा रहे हैं ये कौन सा है, 5500 नंबर, ये बहुत से सस्ते में कहते हैं हमें सस्ता दिखाओ 5 किलोवाट का, तो ये हम लेके आए विज पावर का साउंड प्रूफ 5500 नंबर, ठीक है, ये हम आपको देंगे सिर्फ 28,000 रुपए का, 28,000 रुपए का। नया कितने का आता है? नया तो भाई साहब ये होगा 45-50,000 का, ठीक है। कुछ ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, 5500 नंबर, ठीक है। ये भी अब हम ये देख पा रहे हैं ऊपर 3,000 नंबर, एक्सीलेंट का 3 किलोवाट का है, बहुत कम सेट चला हुआ है ना के बराबर, ये हम दे देंगे 18,000 रुपए का, 18,000 रुपए का देने वाले, पेट्रोल मॉडल के ऊंचे मॉडल है। और ये तो वही अल्फा वाला, ये अल्फा वाला वही है, अन्यू जो चला हुआ सेट है मेरे पास वो 24,000 के, ये वो सेट है, ये वो सेट है। अच्छा ये अल्फा वाले कितने, जितने मॉडल चाहिए होंगे मिल जाएंगे? जितने माल मिल जाएगा इसका, अच्छा जितने चाहिए। और ये सुजुकी का नीचे रखा है 7,500 नंबर, 7.5 किलोवाट का सुजुकी, 7.5 किलोवाट पेट्रोल,
ठीक है, पेट्रोल प्लस एलपीजी, इसमें दोनों ऑप्शन है, खाली पेट्रोल से भी चलाओ और घर के गैस से भी चलाओ घर के अपने। ठीक है, कितने का पड़ने वाला है? ये पड़ेगा सिर्फ 45,000 का। 45,000 का। और ये जो होंडा का फट्टे में रखा है ये कौन सा? ये होंडा का अभी का बिल्कुल लेटेस्ट है, 7 किलोवाट का EU70 बिल्कुल लेटेस्ट अभी का आ रही है। ये कितने का है? ये आपको दे देंगे 1,35,000 का। ये 2.25 लाख रूपए का नया है। 2.25 लाख का नया है। तो सर ये मैं देख पा रहा हूँ बड़ा, इतना बड़ा सा होने वाला, ये शूटिंग के लिए होता है? सर ये शूटिंग का, ये वो है, ये होता है साउंड प्रूफ। ठीक है, आवाज नहीं होती, आवाज नहीं होती। 7 किलोवाट का जनरेटर है। ठीक है सर, ये साइलेंट जनरेटर है। ये नई की कीमत तो ये ऐसे ही है 2,25,000 के आसपास, 1,30,000। लेकिन हम आपको देंगे सिर्फ 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए का, सिर्फ 70,000, मतलब 50,000 रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट की, पूरा डिस्काउंट। क्या बात है, 50,000 रुपए का डिस्काउंट इस पे मिलने वाला है। और ये पेट्रोल और एलपीजी दोनों पे चलेगा? ये दोनों पे चलेगा, खाली पेट्रोल पे भी इसको चला सकते हो और इसको घर के सिलेंडर से भी चला सकते हो। तो सर अगर किसी को नया जनरेटर चाहिए, कति डिब्बा पैक, वो भी मिलता है अपने पास? अपने पास वो भी मिल जाएगा। किसी को बड़ा चाहिए 6.5 किलोवाट का, तो ये नए सेट है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये डिब्बा पैक नए सेट है, ये अनयूज है जी। ठीक है, इसके भी जनरेटर है जी? ये इसी का माल है सारा, डिब्बा पैक माल है सारा। आपको सारा सील आप फर्स्ट टाइम अपने आप से खोलो जनरेटर की। ठीक है, बिल्कुल सील पैक नया है। ये सामान मैंने आपको दिखा दिया था, बैटरी वगैरह सब इसका, व्हील वगैरह सारा सामान इसका ओपन है। ये इसका स्विच है जो अभी तक लगे भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अपने अल्फा वाले भी अगर चाहिए होंगे डिब्बा पैक मिल जाएंगे? अल्फा पैक डिब्बा पैक में पास नए पीस में भी माल मिल जाएगा, हमने मंगा के रख रखा है क्योंकि नए पीस की ज्यादा डिमांड आ रही है इनकी हमारे पास। ठीक है, ठीक है सर, नए पीस भी मिल जाते हैं। नए पीस है, ये अभी हमने सील खोली है इसकी। ये देखो इसका, आप देख सकते हो, मैं इसको बाहर निकाल के क्यों तो बाहर निकाल के भी दिखा दूंगा सेट को। नए सेट है ये, इसकी वगैरह का, ये इसके सारा सामान इसके अंदर भी, टूल्स वगैरह, इसके व्हील हैंडल सब इसके अंदर। कीमत क्या बताइए आपने? ये आपको पड़ेगा 31,000 का। 31,000 का, ये 3.5 किलोवाट का है। ठीक है, तो सर अपनी ये शॉप कहाँ पर पड़ती है? सर अपनी शॉप है लाल किले के सामने, मीना बाजार मार्केट, मीना बाजार अपनी शॉप है। ठीक है, दरियागंज में हमारे गुड़ा में। ठीक है, ठीक है सर। और मेरी शॉप नंबर है K83। K83 जी। ठीक है, यहाँ पे और भी है लेकिन जो जेन्युइन वाले वो हमारे पास ही मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, बस हमारी पूरी गारंटी होगी जनरेटर की। अच्छा ठीक है।